मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ कि बढ़िया होगे। तो भाई अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो हो रहा है मॉर्निंग के 9:32। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है भाई, मैं अपना लाइब्रेरी ओपन करवा रहा हूँ, तो आज वहाँ पे काम स्टार्ट हो रहा है। आज पहला काम हो रहा है पेंटिंग का, तो बाकी सारा सामान वामान मैं लेके जा रहा हूँ। साइड में आप देख सकते हो बाल्टी वगैरह है पेंटिंग के लिए, ब्रश वगैरह है, और भैया वहाँ पे पहुँच चुके हैं पेंटिंग करने के लिए, और आज पापा भी वहाँ पे हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं भाई कि मैंने रूम ले रखा है, मतलब पता सबको है, देखा कोई नहीं है, सिर्फ मेरे को छोड़ के और वो पेंट वाले भैया देखे हैं बस। तो वो वहाँ पे पहुँच गए, पापा का कॉल आया सुबह कि मैं इधर ही हूँ, आ जाओ थोड़ा देख लेता हूँ रूम भी। एक मिनट, GoPro का एंगल मेरे को लग रहा है टेढ़ा है थोड़ा सा। तो पापा बोले कि आ जाओ, मैं अभी इधर ही हूँ। तो अभी मैं निकल चुका हूँ, गाड़ी भी रिजर्व हो गई भाई। इस गरीबी में पेट्रोल का खर्चा भाई क्या करूँ, ऊपर से ये बाइक आज वहीं पे चल रहा है गाइस। आज पूरा प्रोसेस दिखाएंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि पहली बार कुछ अपने दम पे मैं करने जा रहा हूँ। और बता दूँ कि लाइब्रेरी भाई मेरी जो ओपन हो रही है ना, और बता दूँ कि लाइब्रेरी जो ओपन हो रही है वो हो रही है मेरी लालपुर में राय साहब का बगीचा। जो लोग पांडेपुर से होंगे उन लोग को पता होगा, तो जस्ट उसी के सामने, राय साहब के बगीचे के सामने मैं अपना लाइब्रेरी ओपन कर रहा हूँ। श्रिया स्टडी पॉइंट करके नाम रखा हुआ है, श्रिया मेरी छोटी भांजी है, उसी के नाम पे मैं ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में भाई सबसे छोटी वही है। तो भाई सभी आ चुके हैं रिंग रोड के पास। अब यहाँ से मेरे को चलना है लगभग 2 से 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर लगभग। आप इधर देख सकते हो, अभी पूरा पांडेपुर चौराहे तक बनेगा हाईवे, यानी कि 4 लेन रोड। इधर देखो ये काम चल रहा है। चलो भाई ऑटो वाले भैया, अपने को भी जाने दो भाई। आ चुके हैं लालपुर हम लोग। लोकेशन आज पूरी प्रॉपर तरीके से देखो कहाँ पे है, पूरा दिखाते हुए चल रहा हूँ। अगर लालपुर से हो भाई, आप लोग देख रहे हो वीडियो, तो देखो कहाँ पे मैं अपना ओपन कर रहा हूँ लाइब्रेरी। फिलहाल आप देख लो, ये मंदिर है हनुमान जी का, या दुर्गा माँ का मंदिर है सॉरी। और ये आ गया लालपुर सब्जी मंडी। ये रहा सामने बिल्डिंग जिसमें पहले था बेटू मॉल। और देखो यहाँ पे जो सब्ज़ी मिलती है ना, ये राय साहब का बगीचा है इस साइड मेरे, जस्ट इसी के सामने चलना है अपने को। आ जा, सब लोग उधर खड़े हैं भाई। ये रहा अपना बिल्डिंग, अभी ताला वाला खोलते हैं फिर दिखाते हैं बाकी चीज़ें, क्या कुछ चीज़ें करनी है। पापा भैया सब लोग उस साइड खड़े हैं। तो भाई अभी आ चुके हैं लाइब्रेरी में, और पापा भी जा चुके हैं, और कुछ पेंट वगैरह लेना था ना वो मैं ले रहा था, और बाकी अभी मॉर्टिन लेके जा रहा हूँ क्योंकि मच्छर अंदर बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। तो चलो अंदर का पूरा चीज़ दिखाते हैं, क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। तो भैया आ चुके हैं पेंट करने के लिए, और यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी किया हूँ मैं अंदर। भाई अभी चल रहे हैं, पेंट का काम होने जा रहा है, तो पेंट का क्वांटिटी कितना होने वाला है वो हम लोग चेक करेंगे बाहर उजाले में। इसमें देखो पुट्टी का काम हो चुका है, ऊपर सीलिंग में थोड़ा पेंट लग चुका है, आप देख सकते हो अब कलर चेंज हो चुका है, बट अब येलो कलर से मैं इसको पेंट करवा रहा हूँ, तो वो पेंटिंग का काम अब चालू होने जा रहा है। तो चलो अब देखो बैक कैमरे से पेंटिंग का काम कैसा लगेगा, कमेंट जरूर करना आप लोग। तो आज है नेक्स्ट डे, और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो दोपहर के 2 बज रहे हैं,
कल एक्चुअली क्या हुआ ना कि कल यहाँ पे सारा काम हुआ, सुबह से मैं आया हुआ था तो सर इतना भारी हो गया था भाई ना कि फिर वीडियो को एडिट करने का मन ही नहीं किया। बट अभी मैं आया हुआ था दिखाने के लिए जो पेंट का काम हुआ है ना वो कैसा हुआ है, साथ में अमन भी आया हुआ था, तो चलो बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको और रूम कैसा लग रहा है। तो भाई देखो ऐसा कुछ ये रूम लग रहा है, कल क्या था ना कि कहीं कहीं पे भीगा भीगा सा लग रहा था, तो वो क्या था ना सूखा नहीं था, बट अभी देख सकते हो प्रॉपर तरीके से सूख गया पूरा पेंट और ऐसा कुछ पूरा लाइट आया हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई। मेरे हिसाब से मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर। बाकी इस साइड देखोगे ना थोड़ा थोड़ा अभी इससे देख सकते हो ना क्या बोलते हैं इसको जो नमी आती है ना नमी, तो ये यहाँ पर अभी खींचा है, ये धूप होगा जब ना प्रॉपर तरीके से तब ये सही हो जाएगा। यहाँ पे एक लाइट जल रही है, बाकी आप देख सकते हो एक लाइट की वजह से पूरा रूम में उजाला जैसा लग रहा है। इधर साइड सब सही एकदम बेटर है, बस यहीं पे थोड़ी सी नमी है इस वाली दीवार पे। सामान ला के रखा हुआ है, कल से इस पे भी काम चालू हो जाएगा, माइका वगैरह सब कुछ ला के रखा गया है। ऐसा कुछ रूम है और आज इस वीडियो को यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ। अभी एक बाहर भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा उस पर भी काम हुआ है बाहर, अभी ज़्यादा काम नहीं हुआ है उसमें, कुछ चीज़ें अभी बाकी है उसको मैं बताऊँगा आगे चल के। बट फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, कल से नया काम शुरू होगा तो उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ डिस्क्रिप्शन में ना सारी चीज़ें सारी डिटेल मैं डाल दिया हूँ, जिसको भी ज्वाइन करना रहेगा या फिर जो भी इंक्वायरी रहेगी ना वो दिए हुए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकता है अगर आप अगल बगल के हो तो। ठीक है, तो भाई बाहर देख सकते हो ना ये दीवार इतना मैंने करवा दिया, ये पीला करवाया था इसको क्योंकि कलर इतने में ही खत्म हो गया था, तो इधर व्हाइट वाला बचा था तो व्हाइट वाला करवा दिया हूँ, ऊपर भी करवा देते। इस साइड इस पर क्या होगा ना कि अभी बोर्ड वगैरह लगेगा कुछ चीज़ें, और इस पर थोड़ा सा कुछ डिजाइन वजाइन बनवा देंगे, और यहाँ पे शुभ लाभ ये सब चीज़ें लगवाएंगे जब वो एंट्री होगी इसमें तब। चलो फिलहाल के लिए बस इतना ही।